नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि यदि आपके पास पैसा नहीं है, धन की कमी है, तो बिना धन खर्च किए, बिना पैसा खर्च किए कैसे आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके सवाल लेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हैं, हम क्रम से कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट कम जिनका पहले सवाल आया उनका लें। तो आपने यदि सवाल अभी भेज दिया है और अभी तक आपका सवाल नहीं आया है, तो आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीडियो में आपका सवाल आ सकता है। ये सवाल ले रहे हैं हम हेमा परिहार का, इन्होंने जो सवाल भेजा है। आइए इनकी कुंडली बनाते हैं हेमा जी की, और इसके बाद हम सवाल लेने के बाद बताएंगे कि बिना धन खर्च के कैसे आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। तो हेमा जी की डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1986। जन्म का समय है सुबह 5:30 और जन्म स्थान इनका झांसी उत्तर प्रदेश का है। हेमा परिहार का सवाल ले रहे हैं। हेमा जी, आपकी कुंडली बन करके तैयार है। 19 दिसंबर 1986 सुबह 5:30 और जन्म स्थान झांसी। आपकी जो कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की कुंडली बन रही है और कर्क राशि है। आपका जन्म पूर्व पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है आपका, और इस समय बुध की महादशा चल रही है जो दिसंबर 2006 से शुरू हुई है और दिसंबर 2023 तक चलेगी, और बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है जो जनवरी 2019 से शुरू हुई है और अप्रैल 2021 तक चलेगी। इनका सवाल ये है कि नौकरी कब लगेगी। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जो जॉब मिलने का योग है वो बन रहा है जुलाई 2020 के बाद आपकी जॉब मिलने का योग बन रहा है। तो जो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, कंपिटेटिव एग्ज़ाम दे रही हैं, तो बड़े मन से देते रहिए। जुलाई 2020 के बाद योग बनेगा और जुलाई 2020 से दिसंबर 2023 के बीच में आपको जॉब मिल जानी चाहिए। तो अपने प्रयास बढ़ा दीजिए, खूब मेहनत करिए, तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिल जाएगी। उसके लिए डट कर मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी मेहनत में कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो खूब मेहनत करिए। और क्या करिए कि एक जो मूंगा रत्न होता है, तो कम से कम 5.25 रत्ती का मूंगा आप मंगलवार के दिन धारण करिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप भी अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहां से हम उठाएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। आज हम बता रहे हैं कि श्राद्ध में बिना पैसा खर्च किए कैसे आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे ब्राह्मणों को खिलाएं, कैसे पितरों का श्राद्ध करें। तो वो जरूर इस उपाय को ध्यान से देख लें। देखिए, पितर जो है हमेशा आपका भला चाहते हैं, जो आपके पूर्वज हैं उनको आपके धन से कोई लेना देना नहीं है कि आप उन पर धन खर्च करेंगे तभी वो प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे, और यदि आप धन खर्च नहीं करेंगे तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। पितरों को क्या है कि पितृपक्ष में याद करिए, उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाइए, उनका सम्मान करिए, उनको याद करके और उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव दिखाएंगे तो वो उससे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो क्या करना चाहिए जिससे पितरों का आशीर्वाद मिले बिना धन खर्च किए। क्या करना है आपको कि आपके घर के आसपास जो पार्क हो, खुली जगह हो, मैदान हो, वहाँ चले जाइए और आकाश की तरफ देखिए, आकाश की तरफ बिल्कुल आँख खोल करके देखिए और अपने पितरों को याद करिए और उनसे निवेदन करिए कि मेरे पास धन नहीं है, पैसे की कमी है, इस वजह से मैं आपके निमित्त श्राद्ध में धन खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, ब्राह्मणों को नहीं खिला पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो आप इस तरह के आपके मन में जो भाव उठ रहे हों वो उनसे व्यक्त करिए आसमान की तरफ देख करके और हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। तो आप देखेंगे कि आपके जो पितर हैं वो अवश्य प्रसन्न होंगे, जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो अवश्य पहुँचती है, तो पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस तरीके से आप उनसे निवेदन करके, उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और जीवन में आपके लिए तरक्की के रास्ते
खुल सकते हैं। तो आप देखते रहिए इस्ट्रो तक, और फिर होगी आपसे मुलाकात। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में उन्नति के रास्ते खोल सकते हैं। तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।